This is Kamran Ali Dashari, English instructor from Spark Academy, Lakhana. Today we'll discuss about what is grammar. Aaj hamara topic hai about grammar, how it's used and how it works. Definitely in this competitive world, jaise ki is jadid daur mein English grammar ke bagair kuch bhi na koi language aise use hum kar hi nahi sakte, humko aa hi nahi sakti. देखते हैं पहले ग्रामर है क्या, उसके यूजेजेस क्या है. आइए देखते हैं ग्रामर. ग्रामर स्टडी ऑफ वर्ड्स. ग्रामर स्टडी ऑफ वर्ड्स यूज टू मेक अ सेंटेंस. हम पहले कहेंगे कि ये स्टडी ऑफ वर्ड्स है एंड यूज टू मेक अ सेंटेंस. फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें कि पहले पहले लेटर्स बनते हैं. लेटर्स होते हैं लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम वर्ड्स कहते हैं. पहले लेटर्स, लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हम वर्ड्स कहते हैं. वर्ड्स की कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल हम कोई भी लेटर्स लें, एग्जाम्पल जी लें, यहां पे जी लें. अगर जी के साथ कुछ वर्ड्स लेटर्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो वर्ड्स बनेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि जी डबल ओ डी. अभी ये क्या बना, अभी ये वर्ड्स बन गए, वर्ड्स बन गया. आगे देखते हैं वर्ड्स मिलकर सेंटेंस को बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कोई सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम गुड स्टूडेंट. देखिए यहाँ पे अब क्या बना, लेटर्स मिलकर वर्ड्स बने, वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बन गया, पूरा सेंटेंस कॉम्बिनेशन बन गया. अब इस सारी प्रोसेस को हम ग्रामर कहेंगे. पहले भी चुके ग्रामर स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड यूज टू मेक अ सेंटेंस. आगे देखते हैं ग्रामर टेल्स अस रूल्स ऑफ लैंग्वेज. अब ग्रामर क्या बताता है हमें, ग्रामर हमें लैंग्वेज के कायदे और कानून सिखाते हैं, सिखाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मसलन हम लिखें आई आर स्टूडेंट, अब दूसरा सेंटेंस लिखते हैं आई एम अ स्टूडेंट. अभी देखिए आई आर स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, इनमें डिफरेंट क्या बनता है. पहले के जैसे कि हमने पहले सीख रखा है ये फर्स्ट वन दैट्स रॉन्ग वन. वो किस लिए रॉन्ग वन बनता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ग्रामर में और पढ़ेंगे रूल्स. क्योंकि क्या बनता है, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट. अब क्या बना, आई के साथ एम का यूसेज होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे एम रखा है और आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के तौर इस्तेमाल होता है. तो हम आई के साथ एम इस्तेमाल करेंगे, आर को इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस वजह से ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ और दिस इज राइट वन. आइए फर्दर नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करते हैं ग्रामर को. सिंपली ग्रामर इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. हम ग्रामर को लैंग्वेज इज ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं. अ लैंग्वेज में देखेंगे कि हम फिगर ऑफ स्पीच सेज, फिगर ऑफ स्पीच को हम ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं. फिगर ऑफ स्पीच को ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, हाउ इट्स यूज्ड. फिगर ऑफ स्पीच के डिफरेंट काइंड्स हैं. पहले देखें ये एक सिंपल सिंपली को डिफाइन करते हैं. ही इज Like a lion, is like a lion. सिमिली में पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, is, so and like को हम सिमिली कहते हैं. ये सेंटेंस हम इसे कहेंगे सिमिली. इट हैज अट्रैक्टिव मोर, हम इसे सिंपली इस्तेमाल भी कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल ही इज लायन, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते थे. So, सेंटेंस को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे. ऐसे ग्रामर इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. और आगे जानेंगे इट आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ टू राइट अ सेंटेंस. देखेंगे हाउ टू राइट अ सेंटेंस. हम ग्रामर की हेल्प से देखते हैं कि कोई सेंटेंस कैसे लिखें. फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, पहले पहले इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दिस इज अ मैग्नेटिक फॉर्मेशन ऑफ आई
eat meal. I eat meal. This is subject, this is verb, and this is object. Here I have used I eat meal. If I am going to take another pronoun, such like she eats meal. So यहाँ पे हमने क्या किया कि she के साथ s ऐड कर दिया. So पहले ही पढ़ा है I और me के साथ you they plural subject के साथ हम s आगे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस वजह से so he she it are singular name के साथ s are s का हम यूज करेंगे. इस usage को, इस instruction को हम ग्रामर कहेंगे. How to write a sentence, इस वजह से हम इसे ग्रामर कह सकते हैं. Paragraph or story, in a simple words, based out of reading, writing and speaking. So, दुनिया में कोई भी language हो, ग्रामर के बगैर नहीं सीखी जा सकती. For example, English language हो, हम उसे कहेंगे there are 26 letters. In Sindhi, there are 52. If we talk about the grammar, there are different kinds of grammar, there are different types of grammar of language. In Sindhi, you will see a very different methods of grammar. In English, you will see a very different kinds. So, if we want to approach any language, so first of all, grammar is very important. So, this was enough for today. I hope so you liked it. I hope so you will subscribe. And please click the bell icon button for further updates. And this is enough for today.